हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सीए कल्पेश विठलानी दिस साइड। आज हम फिर से एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का। कल जो हमने एनालिसिस किया था उसके हिसाब से डिट्टो टू डिट्टो आज निफ्टी ने मूव दिया है। जो कल रेजिस्टेंस मैंने बताया था वो रेजिस्टेंस से भी आज अच्छे से फॉल निफ्टी ने दिया है। और कल मैंने बताया भी था कि मेरा कोई भी बुलिश बायस है ही नहीं, मैं ऑलमोस्ट डाउन साइड की ओर ही लुक कर रहा हूँ या साइडवेज लुक कर रहा हूँ। तो बुलिश बायस आज वैसे भी नहीं था। ऑफ कोर्स ज़रूरी नहीं है कि मार्केट मेरे व्यू को फॉलो करे, मार्केट बुलिश जा भी सकता है, बट एक एक्सपीरियंस के बाद, एक ट्रेडिंग में कुछ समय बिताने के बाद आपको थोड़ा सा एक अंदाज़ा भी लगने लगता है। स्टिल इट इज़ रैंडम, वी ऑल आर यू नो ट्राइंग टू फाइंड सम यूनिकनेस इन द रैंडमनेस, सो इट्स ओके। सो देख लेते हैं कल निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ मूव कर सकते हैं। सो ये निफ्टी का चार्ट है, देखिए लगातार 3 दिन से बेरिश कैंडल बन रहा है और इसकी शुरुआत हुई थी यहाँ से, जो मैंने पिछले टाइम पे बताया था कि एक हैमर बनी है उसके ऊपर चला गया। तो ये हैमर को देख के जिन्होंने शॉर्ट किया होगा वो सब लोगों के पहले स्टॉप लॉस गए यहाँ पर मार्केट में, और जो स्टॉप लॉस तो गए ही गए, जो लोग ने ब्रेकआउट पे लॉन्ग किया होगा उनको भी ट्रैप किया और मार्केट कंटिन्यू 3 दिन से नीचे आ रहा है। कहीं ना कहीं ये एक ट्रेंड लाइन जो मैंने कल बताई बनाई थी, एक जो मैंने बताया था कि एक बार ये ट्रेंड लाइन के नीचे से आके ट्रैप हुए हैं, मतलब सपोर्ट ले लिया है, दूसरी बार लेगा कि नहीं पता नहीं, सो लेट्स सी। तो आज कहीं ना कहीं अगर मैं ये चार्ट को 1 आवर और 15 मिनट में करूँगा तो इसको ये टच भी हो गया है। तो अभी भी देखिए कैंडल डाउन ही बनी है, तो मेरे ख्याल से कल आज का जो लो है वो कल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा फिर से। और अगर वो लो टूटेगा तो ये लेवल जो है, ये जो एक ग्रीन कैंडल है इसका लो, जितने भी बायर्स होंगे वो मैक्सिमम यहाँ तक रुकेंगे और अब ये फिबोनाची यहाँ से यहाँ लगाएंगे उल्टा वाला, तो हमें पता चलेगा कि ये जो मूव आया है ऊपर से नीचे उसका 0.5% तक मार्केट आ गया है। ठीक है, आप समझ पाएंगे फिबोनाची से कि जो ये प्रीवियस स्विंग लो से स्विंग हाई है उसका 0.5% तक मार्केट ऑलरेडी आ चुका है, जो कि होता है 22,351। ठीक है, सो इसको मार्केट ने टच कर लिया। अब देखना ये है कि क्योंकि मार्केट ऐसा तो है नहीं कि ऊपर से नीचे आया तो नीचे ही जाता रहेगा, तो कल के दिन थोड़ा बुलिश हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो बैरिश कहाँ तक हो सकता है? सबसे पहला जो बैरिश के लिए एक लेवल जो डेली चार्ट में मिलकर आ रहा है वो ये है, तो मुझे यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देनी चाहिए क्योंकि ये एक मेरा अच्छा खासा लेवल हो जाएगा 0.618। तो ये ऑलमोस्ट एक अच्छा नंबर आ रहा है, 22,224 आ रहा है, बट मैं ऐसा नंबरिंग के चक्कर में मानेंगे तो हो जाएगा 22,222। ये वाला एक लेवल जो है ये थोड़ा अच्छा काम करेगा, तो इसको मैं थोड़ा थिक लाइन बना देता हूँ क्योंकि ये फिबोनाची के हिसाब से है, और थोड़ा इसका कलर भी चेंज करके हम इसको ब्लूइश कलर कर देते हैं ताकि हमें पता चले। ठीक है, अब दूसरा जो लेवल रिस्पेक्टफुल होगा वो ये होगा लो। तो ये लो को हम जो मार्क करेंगे वो इस वाले से मार्क कर लेंगे, ये जो है हॉरिजॉन्टल रे, तो इससे हम मार्क कर लेंगे आज का लो। तो ये दो जो लेवल है कल के लिए हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और तीसरा, अगर मार्केट और नीचे चला जाता है, हालांकि मुझे उम्मीद नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी ये वाला लो, क्योंकि यहाँ के बाद सीधा यहाँ गैप अप खुला था, नीचे आके मार्केट ऊपर चला गया था, तो ये जो लो है वो 22,186। ये तीन लेवल जो है कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अब ये फिबोनाची को अगर हम निकाल दें तो चलेगा, हालांकि आज जो ये 50% का लेवल है 22,351, वहाँ तक मार्केट आ गया और यहाँ तक का ही मेरा टारगेट था। मैंने एक्सटेंशन से भी टारगेट लगाया था, उसको भी हम देखेंगे, बैंक निफ्टी में अच्छा टारगेट मिला है उसके हिसाब से। अभी चले जाते हैं 1 आवर में और देख लेते हैं क्या मूव आया है। तो ये देखिए 1 आवर के चार्ट में मैंने बता रहा था ना कि वो ट्रेंड लाइन को टच हो गया है और वहाँ से ही बाउंस आया है, तो आज मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे खुला। और मैंने बताया था ये मूविंग एवरेज का जो है 15 मिनट के चार्ट में, यहाँ पर 100 और 200 मूविंग एवरेज का यहाँ पर ये रेजिस्टेंस था और एग्जैक्ट वहाँ तक मार्केट गया और वहाँ से नीचे आना शुरू हो गया। ये ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट था, ये ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से मार्केट ने यहाँ से बाउंस ले लिया आज के दिन में, और ये जो 61% का लेवल है वो यहाँ पर है, जो हमने ऑलरेडी ब्लू लाइन मार्क करके रख दी है, राइट। तो ये कल सपोर्ट का काम जरूर से ज़रूर करेंगे। तो देखते हैं कल, पहले 15 मिनट के चार्ट में चले जाते हैं। हालांकि आज पहले 1, 2, 3, 4 घंटे मार्केट काफ़ी नीचे रहा, लास्ट में थोड़ा बुलिशनेस आया और मार्केट कहीं ना कहीं नीचे से थोड़ा ऊपर की ओर क्लोज हुआ है। तो अभी 15 मिनट के चार्ट में देख लेते हैं। तो 15 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो कहीं ना कहीं देखिए मार्केट ने क्या किया है, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ
गैप अप फिर से एक ग्रीन कैंडल बनाई, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो हमने ऑलरेडी लाइन बना के रखी थी वहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और यहाँ से नीचे आता गया, और फाइनली जब ये ब्रेक डाउन हुआ उसके बाद मार्केट ने यहाँ से अच्छा खासा फॉल दिया। अब मैं आपको इंडिकेटर लगा के दिखाता हूँ, देखिए ये है इंडिकेटर 200, 50 और 100 मूविंग एवरेज, जिसके ऊपर कल हमने जो है यहाँ पर ये लगाई थी लाइन, राइट, ये एक लाइन हमने लगाई थी यहाँ पर और दूसरी लगाई थी यहाँ पर, ये सोच के कि ये इंडिकेटर्स के आसपास जो है मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है। तो देखिए वही लेवल के आसपास मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और यहाँ से मार्केट ने फॉल देना शुरू कर दिया। और वीडियो के लास्ट में मैंने बताया था कि ये जो फॉर्मेशन है ना वो ये हो गया है, अभी क्या है कि बेरिश फॉर्मेशन हो गया है कि 50 के नहीं ऊपर 20, 20 के ऊपर 100, 100 के ऊपर 200। इसको 5 मिनट के कैंडल में भी एक बार देख लेते हैं क्योंकि कल हमने उसमें भी एनालिसिस किया था। तो देखिए 5 मिनट के कैंडल के हिसाब से कल हमने जो एनालिसिस किया था कि मार्केट बेरिश किस हिसाब से लग रहा था, कल कल यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो है कल यहाँ पर था मार्केट, राइट, ये लेवल पे। तो हमें क्या लग रहा था, एक तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस था, एक दूसरा ये रेजिस्टेंस था, और मेन बात क्या थी कि 20, 50, 100 एंड 200 सब सिंक में चल रहा है और अभी भी सिंक में ही चल रहा है। तो कल के दिन अगर मार्केट ऊपर जाता है तो फिर से ये एक रेजिस्टेंस मिलेगा, तो ये वाला जो है इसको मैं थोड़ा नीचे ला देता हूँ, तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है कल के दिन यहाँ पर हो सकता है जो कि 22,436, और ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो वापस यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस के लिए ट्राई करेगा 22,517। तो ये रेजिस्टेंसेस कल के दिन में मार्केट में आएंगे। और अभी हम वापस चले जाते हैं 15 मिनट में, ये इसको मैं निकाल देता हूँ मूविंग एवरेजेस को, और एक बार वापस से लेवल्स को जो है परफेक्ट कर लेते हैं कि कल कैसी ओपनिंग होगी तो कैसा हमें मूव मिल सकता है। तो अब 15 मिनट के चार्ट में देखिए चले जाएंगे तो अब हमें यहाँ पर काफ़ी सारे रेजिस्टेंसेस और सपोर्ट दिख रहे हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हमारी ये लाइन चली आ रही है जो हाई लो की थी, अगर इसको डेली कैंडल में एक बार वापस से देख लें तो ये वाली जो लाइन है हमारी, ये रेड कैंडल का हाई है, ये रेड कैंडल का लो है जो आज ब्रेक हो गया और मार्केट नीचे की ओर गया, ये मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, ये डे लो है और ये ट्रेंड लाइन का है, ठीक है। तो इतना हमारे पास अभी के लिए डेटा अवेलेबल है, अब 15 मिनट में हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या हो सकता है, आज के दिन तो मार्केट कंटिन्यू डाउन डाउन आता ही रहा, राइट, आज के दिन अगर देखा जाए तो मार्केट यहाँ पे खुला, एक कैंडल ग्रीन बनी और फिर नीचे आता रहा, और कल का जो लो था वो आसानी से तोड़ दिया और गया। तो अब कल के दिन क्या हो सकता है, देखिए सबसे पहला सिनारियो हो सकता है कि थोड़ा सा गैप अप खुल जाए ये लेवल के ऊपर, ये लेवल के ऊपर, ये जो 22,436 है ये लेवल के ऊपर अगर खुल जाता है तो मेरा थोड़ा ऐसा विश है कि मार्केट थोड़ा सा बाउंस बैक दे, एटलीस्ट ये जो है रेजिस्टेंस यहाँ तक, ये जो स्विंग हाई है ना यहाँ तक 22,590 तक अगर मार्केट बाउंस दे देता है तो फिर हम सोचेंगे कि यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस मार्केट लेता है या रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आने की कोशिश करता है तो शायद शॉर्ट बनाने का कोशिश करेंगे। तो ये एक सिनारियो मुझे लग रहा है पहला। दूसरा सिनारियो हो सकता है कि मार्केट फ्लैट खुल जाए, मतलब निफ्टी में फ्लैट मतलब 20-25 पॉइंट का ऊपर नीचे यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन के आसपास, तो फिर थोड़ा सा मेरा ये बायस है कि ट्रेंड लाइन के आसपास वापस एक बार सपोर्ट लेके मार्केट थोड़ा ऊपर की ओर जाए और यहाँ पर एक थोड़ी सी हल्की सी ग्रीन कैंडल भी दे। क्या होगा ना, एक हल्की ग्रीन कैंडल होगी और उसके बाद अगर उसका लो टूटेगा तो हमें यहाँ पर एक अच्छा खासा मूव देखने मिलेगा। और अगर ये डाउन साइड की ओर कल खुल जाता है, लेट से गैप डाउन खुल जाता है, तो गैप डाउन में ऑलरेडी हमारे पास एक सपोर्ट है मार्केट में जो ये है 0.618 का, राइट। तो मेरा यहाँ पर भी ऐसा रहेगा, ये दो जो सपोर्ट है ना यहाँ से लेकर एक मार्केट को कल ग्रीन कैंडल बनाना चाहिए। उससे क्या होगा कि या तो ग्रीन कैंडल के बाद हमारा एक थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू क्लियर होगा कि ये ग्रीन कैंडल के ऊपर अगर मार्केट निकलना शुरू होगा तो क्या हो जाएगा कि डेली टाइम फ्रेम का जो फिबोनाची है वो काम करना शुरू कर देगा, और जो लोग ये ट्रेंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, यहाँ से यहाँ का जो ट्रेंड है उसमें जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे वो लोग यहाँ पर एंट्री करना शुरू करेंगे और वो एक अच्छा मूव मिलेगा। अगर ये लेवल कल डाउन हो जाता है वापस से एक बार आपको चाहिए तो चार्ट में फिबोनाची लगा कर ही रखो, क्योंकि ये कल के दिन में बहुत काम आने वाला है, क्योंकि कल एक क्रूशियल डे हो जाएगा, राइट। तो कल के दिन में अगर मार्केट ने ये 618 को ब्रेक कर दिया तो थोड़ा सा डाउट हो जाएगा, फिर यहाँ पर एक बार और आएगा जो है 22,436
थर्टी सॉरी 22,043, तो ये 50 तक एक बार आने की कोशिश करेगा अगर इसको अच्छे से। तो मेरा एक विश है कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन जाए, उसके बाद क्या होगा, या तो यहाँ से मार्केट निकल जाएगा न्यू हाई बनाने के लिए, तो ये क्या वो डाउ थियरी के हिसाब से लोअर लो बना के निकल जाएगा या हायर लो बना के निकल जाएगा और हाई को ब्रेक करेगा, या अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर हमें देखना पड़ेगा। तो कल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है मार्केट के लिए, तो कल के दिन मैं भी कोशिश करूंगा कि कुछ ट्रेड वगैरह नहीं करूं, क्योंकि या तो ब्रेक डाउन भी हो सकता है, ब्रेक आउट भी हो सकता है। तो कल का दिन थोड़ा सा वेट करेंगे और देखेंगे थर्सडे को क्या कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस। अब चलते हैं बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी फ्यूचर को ले लेते हैं, जिसमें कुछ लेवल्स मैंने ऑलरेडी कल बनाए हुए थे, इसको पहले निकाल देते हैं एक्सटेंशन के हिसाब से। तो देखिए बैंक निफ्टी में कल क्या हुआ था, हमने एक ऊपर से नीचे लगा के देखा था कि ये कहाँ रेजिस्टेंस लेके नीचे मार्केट आ रहा है 15 मिनट में, और वो रेजिस्टेंस तो इसने ले लिया। ठीक है, और ये कैंडल जो थी हमने कल बताया था कि ऑलमोस्ट डोजी टाइप की कैंडल है, इसका हाई लो बहुत मैटर करता है, इसका लो ब्रेक किया और मार्केट वन वे डाउन साइड चला गया। ठीक है, और बैंक निफ्टी ने तो स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल की क्लोजिंग दी है, जो कि बहुत ही बेरिश माना जाता है। अब बैंक निफ्टी में अगर फिबोनाची लगाए हम यहाँ से ऊपर से लेके नीचे, ये फिबोनाची प्राइस एक्शन का पार्ट है इसलिए, तो ये भी ऑलमोस्ट 0.5 के आसपास आ चुका है। तो यहाँ पर पहले तो 0.5 के आसपास हमें एक लगाना पड़ेगा सपोर्ट जोन। ठीक है, तो ये एक आ गया 0.5, जो कि है 48,270, तो ऑलमोस्ट 300 के आसपास इसको मानेंगे। उसका दूसरा सपोर्ट बनता है 47,880। ठीक है, मैं राउंड फिगर ले रहा हूँ, तो 2-5 पॉइंट बैंक निफ्टी में ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दो जो लेवल है ना, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने चाहिए। मार्केट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मार्केट कभी भी कुछ भी कर सकता है। और ये एक यहाँ पर ओपन लो टाइप का भी है, आप देखेंगे तो ये 48,000 का ऑलमोस्ट यहाँ पर लो बना के मार्केट ऊपर भागा था। ठीक है, सो ये दो जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन जाते हैं, और तीसरा भी बनाना है तो ये बन जाता है, लेकिन ये अभी काफ़ी दूर है। ठीक है, तो ये सपोर्ट कल के दिन में हमें सबसे पहले 48,270 एंड 47,880, ये दो सपोर्ट का काम कल के दिन हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा क्या हो सकता है, तो उसको हम थोड़ा सा अभी लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर चेक करते हैं। सो हम चले जाते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में, और पहले ये देख लेते हैं कि आज क्या हुआ। तो देखिए आज 1 आवर के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी खुला, और वहाँ से ही रेड कैंडल, पहले ये जो डे लो ब्रेक था वो 2 दिन का लो ऑलमोस्ट सिमिलर था, उसको ब्रेक किया और वन वे डाउन साइड आ गया। लेकिन लास्ट का अगर कुछ पीरियड देखा जाए, 1, 2, 3, 4, 5, तो पहली दो कैंडल के बाद बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट पॉज ले लिया यहाँ पर 48,270 के आसपास, क्योंकि ये 0.5 का लेवल है। तो कल के दिन ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर यहाँ पर समझो कि मार्केट फ्लैट खुलता है, थोड़ा बुलिश भी जा सकता है, क्योंकि 0.5 का एक रिट्रेसमेंट बनता है, राइट, और वहाँ से एक अच्छा ट्रेड भी मिल सकता है जिनको अपसाइड के लिए जाना है। अब 15 मिनट के चार्ट में देखते हैं कि कैसे हुआ। देखिए 15 मिनट में भी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि शुरुआत में मार्केट अच्छा चला डाउन साइड, तो शुरुआत में एक थोड़ी सी हैमर टाइप की कैंडल बनाई, जैसे ही ये ब्रेक डाउन हुआ, और ब्रेक डाउन में जिन्होंने ट्रेड लिया होगा धमाधम पैसा बना। और ये 11:30 तक, अगर 11:30 से पहले अगर यहाँ तक भी देखा जाए, लेट से 11 बजे, तो 11 बजे के बाद मार्केट ने कोई खास मूवमेंट नहीं दिया है। अगर आप यहाँ पर बॉक्स लगा कर देखे एक रेक्टेंगल, तो 12 बजे से लेके शाम को 3 बजे तक मार्केट ने एक अच्छा खासा रेंज बना दिया है, और ये रेंज के अंदर ही घूमता रहा। तो ये रेंज ब्रेकआउट कल होने का बहुत ही ज़रूरी है 15 मिनट के चार्ट में। और इसमें अगर हम लगाएं मूविंग एवरेज, तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी जो मार्केट ने आज मूविंग एवरेज सारे ब्रेक कर दिए और रेजिस्टेंस लिया। देखिए यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज का पहले तो रेजिस्टेंस लिया, और उसके बाद एक ही सपोर्ट बचा था 200 मूविंग एवरेज, तो प्रीवियस डे का लो प्लस 200 का मूविंग एवरेज दोनों बचा था। दोनों को जैसे ही कट किया, मार्केट एकदम वन वे नीचे की ओर आ गया, और ये एक बॉक्स बना दिया है। तो कल देखते हैं ये बॉक्स का कैसे हमारा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा सपोर्ट है, और रेजिस्टेंसेस अगर देखा जाए तो ये स्विंग हाई जो है वो रेजिस्टेंस का काम डेफिनेटली कल करेगा। और स्विंग हाई से पहले हम यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल रे लगा लेते हैं, जो आज का एक हाई है स्विंग हाई 49,100 ऑलमोस्ट, ये एक लेवल है। दूसरा ये 200 मूविंग एवरेज जो है ये भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो 200 मूविंग एवरेज का जो अभी आ रहा है वो 48,800।
तो 48,800 कल रेजिस्टेंस का काम करेगा, उसके ऊपर 48,885 और 49,100, और सपोर्ट के लिए हमारे पास 48,270 और 47,800 या 47,878, मतलब ऑलमोस्ट 900 ये सपोर्ट है। ठीक है, तो अभी कल अगर बैंक निफ्टी थोड़ा 5 मिनट में भी देख ही लेते हैं ताकि छोटे टाइम फ्रेम में भी एक एनालिसिस हो जाए, तो देखिए यहाँ पर एक बॉक्स बन चुका है और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी कल से ही बैरिश था। देखिए 20 मूविंग एवरेज, उसके ऊपर 50, उसके ऊपर 100, उसके ऊपर 200, इसका सिंपल सा मतलब है कि डाउन ट्रेंड चल ही रहा है, राइट। तो डाउन में तो ऑलरेडी मार्केट है, तो कल के दिन में वापस से ये जो सारे मूविंग एवरेज है वो 5 मिनट के चार्ट में भी रेजिस्टेंस का काम जरूर करेंगे, और अगर उसका ब्रेकआउट होता है तो मार्केट वापस से 200 मूविंग एवरेज को टच करने जा सकता है। तो अभी हम ये एवरेजेस को क्लोज कर देते हैं और अभी हम चले जाते हैं 15 मिनट के चार्ट में और थोड़ा देख लेते हैं कि कल कैसे ओपनिंग में क्या ट्रेड कर सकते हैं। अगर मार्केट ये एरिया के बीच में खुल जाता है 48,270 और 48,660, तो ये एरिया में अगर मार्केट खुल जाता है तो हमारे पास ज़्यादा कुछ ऑप्शन होगा नहीं। मेरे ख्याल से कल या तो साइडवेज या थोड़ा सा बुलिशनेस मार्केट में आना चाहिए, तो या तो ये जो 0.5 है इसका सपोर्ट लेके मार्केट थोड़ा सा बुलिश आना चाहिए यहाँ तक, जो 48,800 या 48,900 तक, ये एक चीज़ पॉसिबल है। दूसरा, अगर कल का समझो मार्केट गैप अप ही खुल जाता है सीधा यहाँ पर ही, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा बुलिश बायस, ये स्विंग हाई तक भी आ जाना चाहिए, जो ये स्विंग हाई अभी दिख रहा है वो एक स्विंग। खाली एक ही वरी है कि मार्केट अगर गैप डाउन होता है तो फिर वो देखना पड़ेगा कि 0.5 पे रेजिस्टेंस लेता है या सपोर्ट लेता है। लेट्स से अगर कल गैप डाउन खुल जाता है तो फिर दो सिनारियो बन सकते हैं, एक तो मार्केट नीचे नीचे जाके वापस ऊपर आ जाए थोड़ा सा पॉजिटिव, या फिर यहाँ पे एक दूसरा सिनारियो बनेगा कि इसका रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाए। तो ये जो केस है यहाँ पर दो चीज़ें बनेगी गैप डाउन के सिनारियो में। अगर फ्लैट खुलता है तो मेरे ख्याल से मार्केट ऊपर की ओर जाने के लिए तैयार है, गैप अप खुलता है तो भी ऊपर जाने की ओर एक ग्रीन कैंडल बनाने को तैयार है क्योंकि 0.5 का सपोर्ट काम करेगा। गैप डाउन अगर खुलता है तो ही थोड़ा सा वरी है, तो फिर ये दोनों प्राइस एक्शन में देखना पड़ेगा कि 0.5 पे रेजिस्टेंस या 0.618 पे सपोर्ट। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। एवरीडे मैं व्यू डालता हूँ, आई होप आपको ये व्यूज सारे सपोर्ट भी करते होंगे। कल का भी व्यू काफ़ी एक्यूरेट चला है और आई होप आज का भी चले, बट फिर भी एक्सेप्ट करना फैक्ट बहुत ज़रूरी है कि मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी और रिस्क रिवॉर्ड, ये चीज़ को जब फॉलो करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट होगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।